हेलो क्लास, हम पढ़ रहे हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। उसका एक हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे बताइए और ब्रेस्ट फीडिंग की जो डिफ़िकल्टीज़ होती है और जो ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर जो इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, वो फैक्टर्स को आपको एक्सप्लेन करने हैं, तो आप उसमें क्या लिखोगे? पहले तो आपको क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है उसकी डेफिनेशन देनी होगी। आफ्टर दैट आपको उसके एडवांटेजेस बताने होंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। देन आप क्या करोगे, जो उसके फैक्टर्स हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग में रेसिस्टेंस का काम कर रहे हैं, रुकावट पैदा कर रहे हैं, आप उसको एक्सप्लेन करोगे। तो फर्स्टली हम देखते हैं ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है। एक प्राकृतिक फिनोमिना है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क एक तरह का बनाया गया खाना है। मतलब क्या है कि एक नेचुरल फिनोमिना होता है, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, ये जैसे हम डाइट में फूड लेते हैं तो उसमें हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, तो उसी तरह से जो बेबी है या फिर जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है, उसके लिए जो बेबी जो मदर का जो मिल्क होता है, वो एक क्या होता है, फूड होता है। उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स उसके थ्रू उसे मिल जाते हैं अपनी डाइट में। उसे कुछ एक्स्ट्रा, कुछ वीनिंग या फिर एक्स्ट्रा डाइट की ज़रूरत नहीं होती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अब जब मदर बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उसके एडवांटेज क्या क्या होते हैं, तो फर्स्ट देखते हैं माँ और बच्चे दोनों के बीच में शारीरिक एवं भावनात्मक संबंध मजबूत होता है। मतलब जब मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाती है तो क्या होता है, जो मदर और बेबी होता है उसके बीच में फिजिकली और इमोशनली जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग हो जाता है। देन सेकेंड, ह्यूमन मिल्क आसानी से उपलब्ध हो जाता है। देन थर्ड है, बॉडी टेम्परेचर पर ताज़ा और शुद्ध रहता है और विथाउट कंटामिनेटेड रहता है, इसमें कोई कंटामिनेशंस नहीं होते हैं। फिफ्थ, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कई तरह की एंटीबॉडीज़ जैसे कि IgA एक्सेट्रा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जो कोलेस्ट्रम से बच्चों में शुरू के कुछ दिन में ट्रांसफ़र होती हैं। मतलब जो मदर का मिल्क होता है उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेबी को क्या करते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं। जो एंटीबॉडी है IgA, ये क्या करते हैं, बेबी को इन्फेक्शन से बचाते हैं। अगर कोई फॉरेन बॉडी, कोई फॉरेन पार्टिकल्स एंटीजेंस कोई हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, तो क्या होता है, जो एंटीबॉडी होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, और जिससे क्या है, जो एंटीबॉडीज़ क्या करती है, उनके साथ फाइट करके क्या करती हैं, जो एंटीजेंस होते हैं उनको किल कर देती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो मदर का जो मिल्क है उसमें एंटीबॉडीज़ एक सफिशेंट अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं। अब बात करें कोलेस्ट्रम की, तो कोलेस्ट्रम क्या होता है, जो फर्स्ट मिल्क होता है जब बेबी का बर्थ होता है, उसके बाद जो मदर को जो फर्स्ट मिल्क जो आता है उसे हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो कोलेस्ट्रम क्या होता है, उसका कलर जो है येलोइश टाइप का कलर होता है, उसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं जो कि बेबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अब सिक्स पॉइंट देखते हैं, ब्रेस्ट मिल्क के अंदर का लैक्टोफेरिन नामक सब्सटेंस बैक्टीरिया की ग्रोथ के जिस प्रकार कम करता है, उसी तरह से जो लैक्टोबैसिलस जो बेडिस इकोलाई है उसको वो क्या करता है, सप्रेस कर देता है, जिससे कि क्या होता है, जो GI ट्रैक की जो प्रॉब्लम्स होती है बच्चे में वो कम होती हैं। अब ये जो लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है और बैक्टीरिया को क्या करता है, ग्रो करने से रोकता है और स्टूल को एसिड बनाता है, ठीक है, तो ये इन्फेक्शन को रोकने का काम कर रहा है। देन ह्यूमन मिल्क के अंदर जो फैट है वह आसानी से डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब अब जो मदर का जो मिल्क है उसमें जो फैट प्रेजेंट होगा वो आसानी से जब बेबी उसको क्या करेगा, बेबी ईट करता है तो क्या होता है, आसानी से बेबी उसको क्या डाइजेस्ट कर लेता है और वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, ह्यूमन मिल्क के अंदर एक्स्ट्रा लैक्टोज पाया जाता है, जो कई तरह के विटामिन्स बनाने में मदद देता है। अब ह्यूमन के मिल्क में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा लैक्टोज होता है, प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, विटामिन्स को बनने में हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, माँ को ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। जब मदर बेबी को ब्रेस्ट फिट करवाती है तो मदर को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। देन अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग से यूट्रस के रैपिड इन्वॉल्यूशन में मदद मिलती है। मतलब जब बेबी का बर्थ हुआ तब क्या है, मदर को बेबी को ब्रेस्ट फिट करवाना है, हाफ आवर के अंदर क्या करना है, बेबी को ब्रेस्ट फिट करवाना है। तो जब बेबी को मदर ब्रेस्ट फिट करवाती है तो यूट्रस जो होता है, मदर का जो यूट्रस होता है वो क्या होता है, जब बेबी का बर्थ होता है तो वो क्या, थोड़ा सा
क्या होता है, फ्लेक्शन हो जाता है उसमें, मतलब थोड़ा सा बाहर की तरफ आ जाता है। तो उससे क्या होता है, जब ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है मदर तो वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल स्टेज में आने लगता है, अपने नॉर्मल जो उसका जो नॉर्मल साइज और जो शेप है उसमें वो आने लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रैपिड इन्वॉल्यूशन कहते हैं। अब प्रेगनेंसी में को रोकने में एक लिमिट तक मदद मिलती है, मतलब प्रेगनेंसी को रोकने में कैसे, कि जब तक 6 मंथ तक के जब मदर क्या करती है, बेबी को फीड करवाती है, तो उसमें प्रेगनेंसी इनहिबिटेड होती है। अब नेक्स्ट, डिफ़िकल्टीज इन ब्रेस्ट फीडिंग। अब हमने देखे एडवांटेजेस क्या क्या हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिफ़िकल्टीज क्या होती है ब्रेस्ट फीडिंग में। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं, तो फर्स्ट फैक्टर्स जो है, फैक्टर्स इनहिबिटिंग ब्रेस्ट मिल्क। अब फर्स्ट हम देखेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे हैं, जिसमें जैसे सडन शॉक हो गया, या फिर स्ट्रॉन्ग पेन हो रहा है, या एंगर हो रहा है, या फिर एंजाइटी और वरी हो रही है मदर को, तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स है जो कि ब्रेस्ट फीडिंग को अफेक्टेड कर रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में मदर को कुछ एडवाइस देनी चाहिए। अब वो एडवाइस क्या होगी, उसके पॉइंट्स के थ्रू हम उसको देखते हैं। तो फीडिंग से पहले मदर को गुस्से में नहीं होना चाहिए, मदर को फीडिंग करवाते टाइम बेबी को एंग्री नहीं होना है, नॉर्मल होना है, देन कुछ मिनट्स के लिए रिलैक्स रहने के बाद ही ब्रेस्ट फीडिंग देना शुरू करना है। मतलब पहले क्या करना है, मदर को अपने आप को क्या करना है, रिलैक्स करना है, उसके बाद बेबी को ब्रेस्ट फीड करवानी है। नेक्स्ट पॉइंट, माँ को ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग किसी तरह से डिस्टर्ब नहीं रहना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि जब बेबी को मदर ब्रेस्ट फिट करवा रही है, तो उसे किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कि एंग्री नहीं होना चाहिए, या किसी टाइप का टेंशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब फ्रीली होके फ्रीली इन्वॉल्वमेंट में क्या करना है, मदर को बेबी को ब्रेस्ट फिट करवानी है। देन मदर को चेक करना चाहिए कि बच्चा सक कर रहा है या नहीं, मतलब बच्चा फीडिंग कर पा रहा है प्रॉपर या नहीं। अगर बच्चा अगर हंगरी है तो क्या होगा, वो क्राई करेगा, तो क्या करना है, हमें चेक करना है, एक मदर को चेक करना है कि बच्चा प्रॉपर फीडिंग कर पा रहा है नहीं, कोई उसे कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही है फीड करने में। देन नेक्स्ट, सकिंग स्टिमुलस को बढ़ाने के लिए बार बार बच्चे को सक कराने के लिए इनकरेज करना चाहिए। मतलब बच्चे को बार बार हमें क्या करना है, हाफ एंड वन आवर के बाद में क्या करना है, फीडिंग करवानी है। सेकेंड, अर्ली ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट। अब इसमें क्या है, जो डिलीवरी के कुछ टाइम के बाद जो ब्रेस्ट है वो फुल और अनकंफर्टेबल लगने लगता है, किस लिए, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है वो एक्टिवेट होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, और क्या करते हैं, वो जो मिल्क का सिक्रीशन है उसको इंक्रीज करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ब्रेस्ट फुली और अनकंफर्टेबल लगने लगता है। अब ब्रेस्ट हार्ड हो जाता है और थोड़ा सा पेन करने लगता है। अब ऐसे टाइम पर जो एक्सेसिव मिल्क है उसे निकाल देना चाहिए, बाद में जब बच्चा अच्छे से जब सक करने लगे तो ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती है। सेकेंड जो फैक्टर्स आते हैं वो क्या है, फ्लैट निप्पल। अब इसे ठीक करने के लिए जो निप्पल्स है उसको क्या करना है, मेक द निप्पल इरेक्ट, मतलब उसको थोड़ा ऊंचा उठाना है। देन ब्रेस्ट को सॉफ्ट रखने के लिए मिल्क को निकाल देना है। थर्ड जो है फैक्टर, बच्चे को सावधानी से ब्रेस्ट पर लगाना है, मतलब उसको अच्छे से क्या करना है, अच्छे से उसको होल्ड करके बेबी को और ब्रेस्ट फिट करवानी है। देन यदि बच्चा दूध ये अगर सक नहीं कर पाता है तो निप्पल्स को सील्ड यूज़ करके हमें क्या करना है, मिल्क निकाल के बच्चे को देना है। अब फोर्थ जो फैक्टर है, सोर निप्पल। अगर सोर निप्पल है तो क्या होगा और इसके रीजंस क्या है, तो पहला तो रीजंस है इसका, फॉल्टी सकिंग टेक्निक्स हो सकती हैं, या तो सकिंग बैड पोजीशन हो सकता है, प्रॉपर पोजीशन में हम बेबी को ब्रेस्ट फिट नहीं करवा रहे हैं। देन थर्ड हो सकता है इंगोर्स ब्रेस्ट हो सकता है, या फिर फ्लैट निप्पल हो सकता है, या तो कुछ टाइप का इन्फेक्शन हो सकता है ब्रेस्ट में। देन फिशर्स ऑफ द निप्पल्स हो सकता है। अब इसे कैसे रोकेंगे हम, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है। एंटीनेटल केयर द्वारा, एंटीनेटल केयर मतलब एंटीनेटल पीरियड क्या होता है, देखिए 3 पीरियड होते हैं, पहला प्रीनेटल होता है, देन एंटीनेटल होता है, देन पोस्टनेटल होता है। तो प्रीनेटल क्या होता है, जो डिलीवरी के पहले का जो पीरियड टाइम होता है उसको हम प्रीनेटल कहते हैं, देन जो डिलीवरी के ड्यूरेशन का जो टाइमिंग होता है उसको हम एंटीनेटल पीरियड कहते हैं, और आफ्टर डिलीवरी हम उसे पोस्टनेटल पीरियड कहते हैं।
ठीक है। तो एंटीनेटल केयर मतलब कि ड्यूरिंग डिलीवरी क्या करना है हमें, सारी चीज़ें जो है एसेप्टिक टेक्निक्स फॉलो करनी है और हमें क्या करना है अच्छे से केयर देने हैं मदर को, ठीक है। अब फीडिंग के वक्त प्रॉपर पोजीशन में बच्चे को रखना है, मतलब आप जब बच्चे को मदर फीड करवा रही है तो क्या करना है उन्हें, उसे प्रॉपर पोजीशन देनी है जिससे कि बच्चा अच्छे से प्रॉपर फीड कर सके। अब थोड़ी देर के लिए बार बार बच्चे को शक कराना है, मतलब कुछ टाइम के ड्यूरेशन में क्या करना है बच्चे को बार बार फीड करवानी है। दो फीट के टाइम पर किसी भी तरह का क्रीम या ऑयल लगाकर रखना है, मतलब जब दो फीड करवाई देन क्या करना है मदर को किसी भी टाइप का क्रीम या ऑयल क्या करना है निप्पल्स पे लगाना है, अप्लाई करना है। देन फिफ्थ जो है अदर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसमें मिल्क जो है इंक्रीज़ हो रहा है या फिर ज़्यादा तेज़ी से जो है उसका सिक्रीशन हो रहा है। अब सेकेंड जो पॉइंट है, बेबी को जो है शकिंग करने में कुछ टायर्डनेस हो रही है या कुछ वीकनेस हो रही है, बेबी जो है टायर्ड हो जा रहा है फीडिंग करते टाइम। देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ब्रेस्ट फीडिंग क्या हो सकते हैं, मदर की जो साइकोलॉजी मिल्क प्रोड्यूसिंग रिफ्लेक्सेस है वो भी उसके ऊपर इफेक्ट डालती हैं। अब मदर की साइकोलॉजिकल मिल्क प्रोड्यूसिंग रिफ्लेक्सेस कैसे, कि जो कुछ मदर्स होती हैं जो सोचती हैं कि अगर बेबी को फीड करवाया तो उनका जो फिगर है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा, तो इस टाइप के कुछ या फिर कुछ बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो इस टाइप के कुछ उनके जो मेंटली जो थिंकिंग्स हैं वो इस पे ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर इफेक्ट करती हैं। सेकंड जो पॉइंट है, मदर को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वह अपने बच्चे के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट में मिल्क दे सकती हैं। तो मदर को क्या है कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को प्रॉपर अमाउंट में ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती हैं। अब बच्चा जो है बच्चे और मदर के बीच में क्या है लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, एक साइकोलॉजिकल चेंजेस इसमें हो सकता है। अगर मदर की मेंटेलिटी है कुछ साइकोलॉजिकल कुछ मेंटेलिटी है कि बच्चे को मिल्क जो है पिलाने से उन्हें क्या होगा फिगर्स उनके इम्पैड हो जाएंगे, बॉडी जो है उनकी इम्पैड होगी, तो उसमें क्या है बच्चे और माँ के बीच में अगर लव एंड अफेक्शन होगा तो वो एक इमोशनल अटैचमेंट होगा, तो जिससे मदर क्या करेगी उन्हें जो साइकोलॉजिकल जो मेंटेलिटी बना रखी है वो उसमें चेंजेस आ सकते हैं। अब बार बार फीड देने से क्या होगा प्रोडक्शन एंड इजेक्शन रिफ्लेक्सेस ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे, देन फीडिंग इनहिबिट हैबिट और टेक्निक्स भी ब्रेस्ट फीडिंग पर इफेक्ट डालती है, एग्जाम्पल पोजिशनिंग कम्फर्ट एक्सेट्रा। अब फीडिंग की जो हैबिट्स हैं जो टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं नहीं है ना, तो वो भी सब ब्रेस्ट फीडिंग पे इफेक्ट डालती हैं। एग्जांपल के लिए पोजीशन की बात करें तो प्रॉपर अगर पोजीशनिंग नहीं होगी तो प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पाएगी है ना, कम्फर्ट पोजिशन देना है। देन सोशल फैक्टर हो सकते हैं, अब सोशल फैक्टर में क्या है कि जो लोगों का ये जो मानना है कि जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जैसे कि कोलेस्ट्रम इज़ नॉट गुड, इसे फर्स्ट सक में डिले हो जाता है। अब मतलब कुछ लोग ऐसा मानते थे कि जो कोलेस्ट्रम होता है मतलब जो फर्स्ट मिल्क जो आता है आफ्टर बर्थ, तो उसको क्या करते थे वो लोग डिस्कार्ड कर देते थे, उन्हें लगता था कि ये बेबी के लिए जो है हार्मफुल है सही नहीं है, तो ये चीज़ जो है उनकी जो साइकोलॉजिकल जो ये चेंजेस है ये साइकोलॉजिकल जो मेंटेलिटी है उसको चेंज किया कि ये जो कोलेस्ट्रम है इसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होते हैं और जो मोस्टली जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी कोलेस्ट्रम में मतलब फर्स्ट मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, तो इसको डिस्कार्ड नहीं करना है, इसको जो बेबी है उसको क्या करना है देना है। अब नेक्स्ट बॉटल फीडिंग रिफ्लेक्स को कम स्टिमुलेट करती है, अब जो बॉटल फीडिंग्स हैं वो क्या करती हैं जो रिफ्लेक्सेस है उसको बहुत ही कम स्टिमुलेट करती हैं। देन डाइट एंड हेल्थ ऑफ द मदर, इसमें क्या है जल्दी जल्दी जो बेबीज़ होते हैं मतलब जल्दी जल्दी बेबी का बर्थ होता है तो उससे क्या होता है लैक्टेशन के ऊपर एक इफ़ेक्ट पड़ता है और माँ के जो है कुपोषण की वजह से भी बच्चे को एडिक्वेट मात्रा में मिल्क नहीं मिल पाता है, मतलब अगर जल्दी जल्दी अगर डिलीवरी होती है अगर बर्थ बाई बर्थ अगर जल्दी जल्दी अगर जो मदर है वो उसकी डिलीवरी होते रही तो क्या होगा उसका इफ़ेक्ट माँ पर भी पड़ता है और बच्चों पर भी पड़ता है, माँ को भी क्या होगा वीकनेस होगी और बच्चे को भी क्या है
माल न्यूट्रिशन हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में उन्हें क्या है न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं रहेगा, तो बच्चा माल नरिश हो जाएगा। देन नाइन्थ पॉइंट, बच्चे के ठीक से शक ना करने या वीक होने से भी इनएडिक्वेट स्टिमुलेशन होता है। अगर बच्चा प्रॉपर फीडिंग नहीं कर रहा है या बच्चा वीक है, तो क्या होगा, उसका भी ब्रेस्ट फीडिंग पर इफ़ेक्ट पड़ता है। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ब्रेस्ट फीडिंग, तो इसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है, जो कि ब्रेस्ट मिल्क जो है बेबी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये उसके लिए क्या करता है, फूड का काम करता है। अब इसके हमने देखे एडवांटेजेस, तो एडवांटेजेस क्या देखे हमने कि ये मदर और जो बेबी है उसके लिए, दोनों के लिए एक इम्पॉर्टेंट है, और एक उसके थ्रू क्या होता है, एक इमोशनल और फिजिकल जो रिलेशनशिप होता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। देन जो मदर का जो मिल्क है वो ईजिली अवेलेबल होता है। देन जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो भी कैसा होता है, फ्रेश होता है और प्योर होता है। देन विदाउट कंटामिनेटेड रहता है, कोई इन्फेक्शन कोई कंटामिनेशन नहीं होता है इसमें। और मदर के मिल्क में क्या होता है, एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, जो कि क्या करती है, बच्चे को इन्फेक्शन से बचाती हैं। जैसे कि कोलोस्ट्रम है, उसमें भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, जो कि इन्फेक्शन जब बॉडी में कॉज अगर करता है तो एंटीबॉडीज क्या करती है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट क्या करती है, फाइट करती है और उसे किल कर देती है और हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को रोकती है। देन हमने क्या देखा नेक्स्ट, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके अंदर जो लैक्टोफेरिन नामक जो सब्सटेंस होता है वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करता है। उसी तरह से जो लैक्टोबैसिलस बैसिलस इकोलाई होता है उसको सप्रेस करता है। तो ये जीआई जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उसको ये क्या करता है, कम करने का काम करता है, डिक्रीज करता है। तो जो लैक्टिंग एसिड है वो उसके प्रोडक्शन में क्या करता है, हेल्प करता है, और जो बैक्टीरिया है उसको ग्रो नहीं करने देता है। देन ह्यूमन मिल्क के अंदर जो फैट प्रेजेंट होता है वो आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है और एब्जॉर्ब भी हो जाता है। इसके बाद हमने देखा कि ह्यूमन मिल्क के अंदर जो एक्स्ट्रा लैक्टोज पाया जाता है उसमें बहुत सारे विटामिन्स बनाने में वो क्या करता है, हेल्प करता है। और माँ को क्या होता है, अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उसे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट हमने देखा कि ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरेशन में क्या होता है, जो यूट्रस होता है जो कि बर्थ के ड्यूरेशन में क्या है, बाहर की तरफ निकला होता है, उसका साइज शेप बढ़ जाता है, तो वो अपने एक नॉर्मल साइज शेप में वापस रिटर्न आ जाता है। देन प्रेगनेंसी को जो इनहिबिट करने के लिए भी इसमें एक हेल्प मिलती है। देन इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ देखी थी हमने ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, तो डिफ़िकल्टीज़ में फर्स्ट जो था फैक्टर्स थे कुछ, जिसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर था, जैसे कि अगर सडनली अगर शॉक आ गया या कुछ स्ट्रॉन्ग पेन हो रहा है मदर को, या मदर एंग्री है, या फिर एंजाइटी में है, या कुछ टेंशन में है, तो अब ऐसी कंडीशन में मदर को एडवाइस क्या देना है हमें, कि मदर को एंग्री नहीं होना है, कुछ टाइम के लिए मदर को रिलैक्स होना है, आफ्टर देन क्या करना है, बेबी को फीड करवाना है। अब मदर को क्या करना है, ब्रेस्ट फीडिंग के ड्यूरेशन में क्या करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, और उसे भी खुद में साइकोलॉजिकली मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना है। अब मदर को चेक करना है कि बच्चा प्रॉपर फीडिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने देखा कि बच्चे को सकिंग स्टिमुलस बढ़ाने के लिए क्या करना है, उसको बार बार हमें ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है, ताकि बच्चा जो है सक करने के लिए इनकरेज हो सके। देन हमने अर्ली ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट में देखा कि डिलीवरी के कुछ टाइम में बाद में क्या होता है, ब्रेस्ट जो होता है वो फुल हो जाता है, अनकंफर्टेबल लगने लगता है और हार्ड हो जाता है, और कुछ टाइम के लिए पेन भी करता है। तो ऐसे टाइम पर क्या है, जो एक्सेसिव मिल्क है उसे हम डिस्कार्ड करवा देते हैं, ठीक है, ताकि जो बेबी है वो प्रॉपर क्या करे, ब्रेस्ट फीडिंग कर सके, और जो ये प्रॉब्लम्स होती है वो नॉर्मल ठीक हो जाए। अब फिर थर्ड जो फैक्टर्स है, फ्लैट निप्पल है, अगर निप्पल अगर फ्लैट है तो भी क्या है, मदर को फिट करवाने में प्रॉब्लम्स आती है, तो क्या करना है, फीट ब्रेस्ट को क्या करना है, सॉफ्ट रखने के लिए मिल्क को, जो एक्स्ट्रा मिल्क है उसको क्या करना है, निकाल देना है। देन अब क्या करना है, अगर बेबी जो है वो सक नहीं कर पाता है तो निप्पल्स को क्या करना है, निप्पल सील्ड यूज़ करके क्या करना है, उसे फिट करवानी है। देन अगर सोर निप्पल है तो भी प्रॉब्लम्स होगी। अब इसमें फॉल्टी अगर सकिंग टेक्निक्स हैं
तो भी हो सकता है, और अगर पोजीशन अगर प्रॉपर नहीं है तो भी हो सकता है बेबी की। देन अगर इंगोर्ज ब्रेस्ट है तो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्रॉपर बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगा। देन अगर निप्पल फ्लैट है तो भी, और अगर कोई इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, कोई किसी टाइप का कोई इन्फेक्शन है तो क्या होगा, वो भी ब्रेस्ट फीडिंग को अफेक्ट करेगा। देन अब इसे हम प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, इसे रोकने के लिए क्या करेंगे, एंटीनेटल केयर करना है। ठीक है, मतलब डिलीवरी के टाइम पे हमें क्या करना है, मदर को प्रॉपर केयर देनी है। देन हमने नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखा कि फीडिंग के टाइम पे क्या करना है, प्रॉपर पोजीशन में रख के बच्चे को फीड करवाना है। उसके बाद में क्या देखा हमने नेक्स्ट पॉइंट में कि हमें कुछ टाइम के बाद बार बार बच्चे को क्या करवाना है, फीडिंग करवानी है। फिर हमने देखा फीडिंग के टाइम पर क्या करना है, हमें जो मदर का जो निप्पल है उस पर किसी भी टाइप का क्रीम या फिर ऑयल लगाना है जिससे कि वो सॉफ्ट रहे। देन अदर प्रॉब्लम्स में देखा हमने अगर जो मिल्क है वो इंक्रीज हो रहा है अगर सिक्रीशन, तो भी जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो अफेक्टेड हो सकती है। देन अगर बेबी को अगर सकिंग में प्रॉब्लम हो रही है, वो टायर्ड हो जा रहा है या बच्चा वीक है, तो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब ये जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इन ब्रेस्ट फीडिंग में क्या देखा हमने, मदर की जो साइकोलॉजिकल मिल्क प्रोड्यूसिंग रिफ्लेक्सेज है वो भी उसके ऊपर अफेक्ट करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर मदर की साइकोलॉजिकल मेंटेलिटी ये है कि अगर बच्चे को अगर ब्रेस्ट फीड करवाया तो उनकी जो बॉडी का जो पोस्चर गेस्चर है वो अफेक्टेड होगा, तो मदर क्या करेगी, बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाएगी। तो हमें क्या करना है, मदर को साइकोलॉजिकल सपोर्ट करना है। ऐसी कंडीशन में मदर को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपने बच्चे के लिए एक सफिशिएंट अमाउंट में मिल्क दे सकती है। देन बच्चे को क्या करना है, बच्चे और जो मदर है उनके बीच में क्या है, लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, जिससे कि उनके साइकोलॉजिकल जो चेंजेस है वो भी हो सकते हैं। और क्या करना है, बच्चे को हमें बार बार फीडिंग करवानी है जिससे कि क्या है, प्रोडक्शन इंजेक्शन रिफ्लेक्सेस ज़्यादा स्टिमुलेट हो सके। देन फीडिंग इनिवेट टेक्निक का अच्छे से हमें अच्छी टेक्निक का यूज़ करना है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, और प्रॉपर पोजीशनिंग देके क्या करना है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवानी है। देन सोशल फैक्टर में हमने देखे कि कुछ लोगों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि कोलेस्ट्रम जो है बच्चे के लिए सही नहीं होता है, तो ये मेंटेलिटी को क्या करना है, चेंज करना है। क्योंकि कोलेस्ट्रम जो फर्स्ट मिल्क होता है उसमें सारे एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं जो कि बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देन बॉटल फीडिंग रिफ्लेक्स को कम स्टिमुलेट करना है। देन डाइट एंड हेल्थ ऑफ द मदर से क्या है कि जो जल्दी जल्दी जब अगर बर्थ होता है बेबी का, तो उसका इफेक्ट लैक्टेशन पे पड़ता है, और मदर के ऊपर भी पड़ता है, बेबी के ऊपर भी पड़ता है। मदर भी क्या होती है, अफेक्टेड होती है, इससे वीक हो जाती है, और जो बेबीज़ होते हैं वो भी माल न्यूट्रिशन से अफेक्टेड होते हैं, और उन्हें एक प्रॉपर अमाउंट में फीडिंग भी नहीं मिल पाती है। और बच्चे को अगर बच्चा अगर प्रॉपर तरीके अच्छे से सक नहीं कर पा रहा है या फिर वीक है, तो वो क्या होगा, प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाएगा, तो इसका इफेक्ट भी ब्रेस्ट फीडिंग पर पड़ता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डील करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। सो नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डील करते हैं। थैंक यू क्लास।